हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला दीपक राणा उर्फ सुखू का सपना था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अलग अलग वीडियो बनाकर फेमस होना और स्टार बनना। लेकिन इसी बीच उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए प्रीति नाम की लड़की से हो गई। ये दोस्ती कुछ दिन के बाद प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद परिवार को छोड़कर यह लोग किराए के मकान में अलग रहने लगे। बाद में दीपक राणा उर्फ सुखू ड्रग एडिक्ट हो गया। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने छोटी मोटी नौकरी भी की, लेकिन जब उसे लाइफस्टाइल में चेंज नजर नहीं आया तो फिर ऑटो लिफ्टिंग की शुरुआत कर दी। नसरपुर इलाके में 14-15 अगस्त की रात रोहतक लौटने के दौरान मोटरसाइकिल चोरी कर ली, जिससे इसका इस्तेमाल वे पर्सनल यूज में कर सके, लेकिन सीसीटीवी ने इसकी किस्मत के साथ धोखा दे दिया और पुलिस ने उसी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर इन कपल को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया है। डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दीपक राणा और प्रीति हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। चोरी की वारदात 14-15 अगस्त की रात इन्होंने बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में नजफ्पर के साथ स्थित शिव इनक्लेव से मोटरसाइकिल चोरी की थी। उस मामले की छानबीन के लिए द्वारका के एएपीएस की टीम को लगाया गया था। एसीपी ऑपरेशन की देखरेख में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर दिनेश, सहायक सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, हेड कांस्टेबल मनीष, सोनू, हेमचंद और लेडी कांस्टेबल पूजा की टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और उस फुटेज के आधार पर दीपक उर्फ सुखू के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई। इसी बीच हेड कांस्टेबल मनीष को जानकारी मिली कि दीपक नजफ्पर के अनाज मंडी के पास गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला है। पुलिस टीम ने वहां पर ट्रैप लगाकर दोनों को पकड़ लिया और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली।